दोस्तों ये पैनासोनिक का 24 इंच एलईडी है और इसका प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं, एक बार रेड, एक बार ग्रीन और एक बार ब्लू हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम आसानी से सॉल्व करेंगे रिमोट विदाउट रिमोट। आप देख पा रहे हैं इसका मॉडल एक बार देख लीजिए, इसका मॉडल है 24D 400DX, इसका मॉडल है। ठीक है दोस्तों, यार इसका रिमोट देख लीजिए एक बार। सेट को एक बार ऑफ करके देखते हैं। देखिए सेट को ऑफ किया मेन प्लग से और सेट फिर ऑन किया, रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है और रेड से ग्रीन भी हो चुका है और देखिए पैनासोनिक लोगो भी आ चुका है। और पैनासोनिक लोगो आने के बाद देखिए एक बार वाइट हुआ, एक बार रेड, एक बार ग्रीन और एक बार ब्लू और एक बार वाइट। इस जो ऑटो चेंजिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ऑफ करने के लिए कुछ स्टेप है वो आपको करना होगा। देखिए रिमोट काम नहीं कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपका रिमोट का एक बटन छोड़कर कोई बटन काम नहीं करेगा। तो पहले आपको दिखाएंगे रिमोट के बगैर आपको कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। इसका जो पीछे में देखिए माइक्रो बटन है, जो माइक्रो बटन कीबोर्ड है, एक बार देख लीजिए चैनल अप डाउन वॉल्यूम प्लस माइनस मेनू इनपुट एंड पावर की, जो पावर की है वो आप एक बार देख लीजिए। और पावर की को ऑफ करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक बार आपको दिखा देते हैं। एक बार देखिए अभी रेड हुआ, ग्रीन हुआ और हम ऑफ पावर की प्रेस करेंगे। दोस्तों एक हाथ में कैमरा है इसीलिए प्रेस करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसको हम एक बार घुमा लेते हैं, देखिए एक बार डिस्प्ले को एक देखिए और पावर की प्रेस किया और एक है स्टैंड बाई मोड में आ गया। और फिर और एक बार प्रेस करना होगा, प्रेस करने से स्टैंड बाई से रिलीज होगा और सेट ऑन हो चुका है, पैनासोनिक लोगो भी आ चुका है और सेट हो गया। देखिए और रेड ग्रीन ब्लू नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। और हम एक बार रिमोट भी चेक कर लेते हैं इस सिचुएशन में। आप देखिए रिमोट भी काम करेगा ठीक ठाक, देखिए देखिए बिल्कुल ठीक ठाक रिमोट काम कर रहे हैं। इस बार पैन पावर स्विच भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम आप रिमोट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और रिमोट का जो एग्जिट बटन है वो प्रेस करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इजी से इजी। थैंक यू दोस्तों।